अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मात्र 3 से 3.5 महीनों में ही ऐसा क्या करे कि क्लास में 90% 95% 96% आ जाए। मान लो आपके अभी 6 सब्जेक्ट हैं, तो इस हिसाब से मात्र 15-15 दिन ही एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करने में आप दे सकते हो। यदि आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो मात्र 18 दिन हर एक सब्जेक्ट को मिलेगा। समय आपके पास बहुत कम है और टारगेट बहुत बड़ा है, तो इतने कम समय में ऐसा क्या करे कि 90% आ जाए। घबराइए मत, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आया हूँ। दोस्तों मैं आपको सिंपल और सरल चीजें बताने वाला हूँ जिससे समझना भी आसान है। जब समय कम होता है तब हमें नई चीजें ट्राई नहीं करनी चाहिए बल्कि पुरानी चीजों को ही स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। एक स्टूडेंट 3 महीने पढ़ाई करके क्लास का टॉपर बन गया, तो किसी ने उससे पूछा कि ऐसा कैसे किया, और उसी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब एग्जाम को सिर्फ कुछ ही महीने बाकी है ना, तो ऐसे समय में अपने पहले की तैयारी को ही मजबूत बनाना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। अभी तक आपने जितनी भी तैयारी की होगी ना, उसे टिक कर लो या फिर नोट्स तो बनाए ही होंगे आप। उस नोट्स से ही निकालो कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा आए हैं। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में निशान लगा दो कि अब मुझे बस इन्हीं को पढ़ना है। पर इतना जरूर ध्यान रखें कि जिस भी टॉपिक पर आपने टिक लगाया होगा ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर याद कर डालो। अपने सारे डाउट्स अभी से क्लियर कर डालो। फिर आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा फिराकर क्यों ना दिया जाए, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इतना कर लेने के बाद 50% की तैयारी तो आपकी हो जाएगी। अब उन चैप्टर्स को जिसे अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, उन्हें शुरुआत से ही क्वेश्चन सिलेक्ट करके पढ़ाई करो। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही याद करो, पर उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करके पढ़ाई करो, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। जब आप सेकंड बार उसकी पढ़ाई करो, रिवीजन करो, तो ऐसा आपको बिल्कुल न लगे कि मैंने जो पहले पढ़ा था वो सब कुछ भूल गया। नहीं, सेकंड बार में वह क्वेश्चन आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको स्पीड से पढ़ाई करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना होगा। ये सब करने के बाद आप 70% तो कवर कर लोगे, लेकिन आपको लाना है 90%। तो उसके लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखो। जब आप एग्जाम दिलाने जाओगे तो आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए। कई लोग बहुत ज्यादा लिख तो देते हैं लेकिन उनकी हैंड राइटिंग क्लियर नहीं होती है, इससे टीचर को समझ में ही नहीं आता है और वो आधे मार्क्स को काट देते हैं। जो भी टीचर आपके आंसर शीट को चेक करे ना, वो देखते ही इम्प्रेस हो जाए आपके आंसर शीट से। और ऐसा अगर हो गया तो आपके नंबर कभी भी कटेंगे नहीं, आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा लिखना जरूरी नहीं होता है दोस्त, बल्कि आप जो भी लिखे ना वो सरल भाषा में हो। कई लोग रटने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको रटना नहीं है, समझना है, और जो समझे वो उसी को आपको आंसर शीट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अपने भाषा में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आप आधा आंसर लिखोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। आप आंसर भले ही शॉर्ट में लिखो लेकिन लास्ट तक लिखो, जरूरी जरूरी पॉइंट्स को लिखो। अभी आप जितना भी रातों में जागकर पढ़ाई करना चाहते हो जाग लो। एग्जाम के टाइम पर रात भर जागकर पढ़ाई मत करना, वरना पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे। पढ़ा हुआ याद रखने की कई तरीके हैं, मगर फिर भी ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। तो जिन स्टूडेंट को जल्दी याद नहीं होता है उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस के जरिए ही मंद बुद्धि से इंसान बुद्धिमान बन जाता है, जिसके हजारों एग्जाम्पल, हजारों वैज्ञानिक, हजारों सफल इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों जितना भी समय आपके पास बचा है ना, उसमें अपनी पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत लगा दो। आज की मेहनत ही तुम्हें कल सफलता दिलाएगी। यही समय है तुम्हारे कुछ करने का, इसे हाथ से जाने मत दो। जितना ज्यादा रिविजन कर सकते हो उतना ही ज्यादा करो, इतना पढ़ो कि कभी भूले नहीं। फिर आपके 90% क्यों नहीं आएंगे दोस्त, जरूर आएंगे। उससे भी बड़ी बात कि स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन ही किसी भी फील्ड में सफलता दिलाती है। अगर आप स्क्रीन पर दिखा रहे इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। स्टडी टिप्स, मोटिवेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं सिमोना साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।